2020 में COVID-19 में क्या था साहब, डर के मारे साहब, जब डर आया, जब मौत चारों तरफ दिखाई देने लगी, तो जो है परमेश्वर की महिमा करने लगे, आराधना करने लगे, सड़कों पे करने लगे, छत के ऊपर करने। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से तीसरे खंड में है परमेश्वर का सिंहासन और 7 मोहर बंद पुस्तक के बारे में। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय और उसके 9 पद से लेकर 11 पद से 5वीं मोहर के बारे में सीखा था। आज हम सीखेंगे 6ठी मोहर के बारे में। जी हाँ, 6ठी मोहर के बारे में आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 12 से 17 पद तक। जब हम 6ठी मोहर के बारे में बात करते हैं तो बहुत से लोगों का ये मानना है कि 6ठी मोहर पूरी हो चुकी है, 6ठी मोहर की जो बातें हैं वो पूरी हो चुकी हैं। मगर हम ये देखें कि परमेश्वर का वचन जो है कहाँ तक पूरा होता हो चुका है। हम ध्यान करें कि परमेश्वर का वचन जो है कौन सा पूरा हो चुका है, कौन सा पूरा हो रहा है और कौन सा पूरा होने वाला है। अब 6ठी मोहर के बारे में बहुतों की धारणा यह है कि 6ठी मोहर जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। देखिए, 6ठी मोहर खुल जरूर चुकी है, खुल गई है, प्रभु यीशु मसीह ने 6ठी मोहर को खोल दिया है, परंतु 6ठी मोहर पूरी नहीं हुई है, ये ध्यान रखें। अब कैसे पूरी नहीं हुई है, इसलिए इस 6ठी मोहर के 3 भाग किए हैं। अब कौन कौन से 3 भाग किए हैं? पहला भाग है प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 12 से 13 तक, दूसरा भाग है प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 14 पद, तीसरा भाग है प्रकाशित वाक्य 15 और उसका 17 तक। यहां पर है, हम पहले भाग की बात करेंगे। पहले भाग में क्या है, यहां मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य 6 उसका 12 से 13। जब उसने 6ठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। जी हाँ, अब प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 12 से 13 में इन पदों को जब यूहन्ना जो है 4 भयंकर घटनाएं जो हैं इस पृथ्वी पर होते हुए देख रहा है। जी हाँ, कि इस पृथ्वी पर जो है ये 4 घटनाएं जो हैं होने वाली हैं या हो रही हैं, इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि दुनिया का अंत कितना निकट है। इन घटनाओं से पता चलता है कि दुनिया का अंत जो है वो कितना निकट है। पहली घटना है कि एक बड़ा भूकंप। अब यूहन्ना क्या देखता है कि एक बहुत बड़ा भूकंप आया, और इतना बड़ा भूकंप आया, और अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी बात है जो पृथ्वी पर जो है कहीं नहीं होता, क्योंकि भूकंप तो बहुत बड़े बड़े आ चुके हैं और बहुत बड़े बड़े आते रहते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जो यूहन्ना देख रहा है कि एक बहुत बड़ा भूकंप आया और सदियों से भूकंप आते चले आ रहे हैं। जी हाँ, यही तो चीज है, यही भविष्यवाणी है। बाइबल के अंदर जिन भूकंप की भविष्यवाणी की गई है उनको समझना बहुत जरूरी है। बहुत ही भयंकर भूकंप है तथा जो भूकंप आने वाले हैं उनकी भविष्यवाणी हजारों वर्ष पहले से कर दी गई है। उन भूकंपों के बारे में बातचीत कर रहे हैं जो इस पृथ्वी पर आकर भयंकर जो है घटनाएं घटित होंगी, बहुत सी प्रॉब्लम जो हैं वो दिखाई देंगी बहुत भयंकर तरीके से, उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं। भूकंप की भविष्यवाणी जो है प्रभु यीशु मसीह ने जो है लगभग 2000 साल पहले ही ठहरा दी थी, बता दी गई थी। जब आप मत्ती 24 अध्याय उसके 3 पद को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। अब यहां पर जो है चेले जो है 2 प्रश्न पूछ रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं कि हमें बता, और क्या बता कि हमें पहले यह बता कि तेरे आने का और दुनिया के अंत का चिन्ह क्या होगा। अब वो प्रभु यीशु मसीह से जो है इस बात के बारे में वर्णन कर रहे हैं। मत्ती 24 के 7 में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, क्योंकि जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। भूकंप होंगे, भूकंप आते रहते हैं, आते देखते भी हैं, बहुत से भूकंपों के बारे में जानकारी है। और यहाँ जो है प्रभु बता रहा है कि कौन कौन से चिन्ह प्रकट होंगे, परंतु हम बात कर रहे हैं भूकंप के बारे में। और सबसे जो फेमस बात है इतिहास में जिस भूकंप की बात करते हैं वो लिस्बन का भूकंप जो है 1 नवंबर 1755 में लगभग
सुबह 9:40 पर वहां के स्थानीय समय के अनुसार जो है वो आया था और उसकी तीव्रता थी 9.0 थी जो भूकंप आया था। और ये जो था इस जब ये भूकंप आया तो इससे सारा लिस्बन शहर जो था वो सारा नष्ट हो गया था, पूरा पृथ्वी के अंदर समा गया था। और सिर्फ यही नहीं थी, इसके साथ साथ में सुनामी भी जो थी वो आई थी। आजकल तो भूकंपों के साथ सुनामी भी बहुत भयंकर तरीके से, उस समय भी 1755 में जो 1 नवंबर 1755 को जो लिस्बन के अंदर जो भूकंप आया था उसमें भी सुनामी आई थी। और सिर्फ बात यहीं तक नहीं समाप्त हुई थी बल्कि पूरे लिस्बन में भयंकर तरीके से आग भी लग गई थी और उसके आसपास के बहुत से क्षेत्रों में जो था उसका असर जो था वो दिखाई दिया गया था। सोचिए इतना भयंकर भूकंप था। मैं बता देना चाहता हूँ पूरे यूरोप में अर्थात फिनलैंड, उत्तरी अफ्रीका और कैरेबियन तक में जो है उसके झटके महसूस किए गए थे और 2 लाख आबादी वाले शहर में 30,000 से 50,000 लोगों की जो थी मृत्यु हो गई थी। अब बताइए 2 लाख आबादी वाला वो शहर था, 30,000 से 50,000 जो थे लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। इतने लोग कितने बचे बताइए, 1.5 लाख लोग बचे हैं और जने कितने लापता हो गए होंगे, जने कितने उन 1.5 लाख में जने कितने परेशानियों में घिर गए होंगे, किस तरीके से उनके साथ हुआ होगा ये सोचिए। वर्तमान शहर के बारे में सोचिए कि जहां पर जो है लाखों और करोड़ों में लोग रहते हैं, अगर किसी शहर के अंदर आज वर्तमान जो शहर है उनके अंदर अगर भूकंप आ जाए तो ये संख्या जो है, वहां तो 2 लाख लोग थे इसलिए 30,000 से 50,000 तक की संख्या दी गई है, परंतु आज लाखों करोड़ों में लोग रहते हैं, दसियों 10 लाख से ऊपर लोग किसी शहर में रहते हैं, करोड़ों तक उनकी संख्या पहुंच जाती है। सोचिए अगर वहां भूकंप आएगा तो करोड़ों की या लाखों की तादाद में लोगों की मृत्यु होगी, इतने बड़े भयंकर जो है भूकंप आने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इब्रानियों 12 उसका 25 से 26 पद तक, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो क्योंकि वे लोग जब तक पृथ्वी पर के चेतावनी देने वालों से मुंह मोड़कर ना बच सके तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वालों से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। उस समय उनके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है एक बार मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। देखिए उस समय भी जो पृथ्वी पर लोग बताते थे, जो बता रहे थे कि ऐसा होने वाला है, परमेश्वर का वचन पूरा होने वाला है, ये तबाही होने वाली है, ये चीजें, उन्होंने जो है मुंह मोड़ लिया उनसे, अरे ये क्या कह रहे हैं, ये तो कहते रहते हैं। परंतु अब ये जो भविष्यवाणियां हो रही हैं ये स्वर्गीय भविष्यवाणी, स्वर्ग से जो है खुद परमेश्वर जो है वो पुकार रहा है, जो स्वर्गदूत हैं वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर जो है इन भविष्यवाणियों को वो बता रहा है और दिखा रहा है। सोचिए कि कितनी भयंकर बात होगी। और प्रभु क्या कह रहा है कि अब मैं सिर्फ पृथ्वी को ही नहीं हिलाऊंगा पूरी तरीके से बल्कि मैं आकाश को भी हिला के रखा। सोचिए आकाश की शक्तियां भी हिलाई जाएंगी और परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि जो आकाश की शक्तियां जो हैं जब वो हिलाई जाएंगी तो उसका नजारा जो है वो कैसा होगा, उस जो भयंकर बातें जो हैं जो दिखाई देंगी वो कैसा होगा, किस तरीके से होगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है भूकंप के बारे में जो है हम बातचीत कर रहे हैं, यशाया 24 और उसका 17 से 20 पद तक है। यहाँ 17वें पद में जो बात लिखी गई है, हे पृथ्वी के रहने वालों, भय और गड्ढा और फंदा तुम्हारे लिए है, जब कोई भय के शब्द से भागे वे गड्ढे में गिरेगा और जो कोई गड्ढे में से निकले वह फंदे में फंसेगा, क्योंकि आकाश के झरोके खुल जाएंगे और पृथ्वी की नेव ढोल उठेंगी, पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, पृथ्वी अत्यंत कंपमान होगी, वे मतवाले के समान बहुत डगमगाएगी और मचान के समान डोलेगी, वे अपने पाप के बोझ से दबकर गिरेगी और फिर ना उठेगी। देखिए भूकंप जो आने वाला है कितना भयंकर, यानी पृथ्वी जो है टुकड़े टुकड़े हो जाएगी जब पृथ्वी बुरी तरीके से हिलेगी, वो डोलती रहेगी, आप एक जगह स्थिर खड़े नहीं रह सकते हैं, आपकी कोई भी चीज एक जगह स्थिर खड़ी नहीं रह सकती, बिल्डिंगें तक नहीं रहेंगी चाहे कितनी भी मजबूती से क्यों नहीं बनाएंगे। ऐसा भयंकर भूकंप जो है वो आने वाला है, परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बताता है।
सोचिए, ऐसी स्थिति में इंसान ना घर में रह सकता है और ना घर के बाहर रह सकता है। कहाँ जाएगा इंसान, किस तरीके से जाएगा और कैसे ये सब चीजें जो हैं वो होंगी, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ भूकंप के बारे में। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय उसका 17 से 20 पद तक लिखा हुआ है, सातवें सरदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से ये शब्द हुआ, हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी नहीं आया। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वे अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए, और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता ना चला। जी हाँ, फिर देखिए यहाँ पर जो है एक बड़ा भूकंप जो हुआ है। अब यहाँ टापू जो है, जो जिसको हम आइसलैंड कहते हैं, छोटे छोटे टापू जो होते हैं, मैं आपको टापू के बारे में बता देना चाहता हूँ। जो छोटे छोटे टापू होते हैं जो चारों तरफ पानी से घिरे होते हैं, ये वो उन टापुओं का भी पता नहीं चला, और जाने कितने टापू जो हैं वो हैं, और उस बड़े नगर के, मतलब एक बहुत बड़ा नगर है जिसके 3 टुकड़े हो गए उस भूकंप से। अब सोचिए, जिस नगर के 3 टुकड़े हो जाएंगे उसका, वहां के लोगों का हाल क्या होगा, वहां की स्थिति कैसी होगी। और इसलिए कहते ना, कहते हैं कि अरे भूकंप तो आ रहे हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है, अभी भूकंप देखे नहीं है, जो आने वाले हैं, जो परमेश्वर जो है इस पृथ्वी पर भेजने वाला है। प्रकाशित वाक्य 11 का जरा 13 पद भी पढ़ लें, फिर उस घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और से डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। देखिए क्या एक बड़ा भूकंप। अब किसी बड़े नगर का यानी शहर का है? किसी बड़े शहर का 10वां भाग गिर जाए, कितने लोग, अब यहां तो 7,000 दिए हुए, 7,000 लोग मर गए, और बहुत से भूकंप आए जिसमें 7,000 क्या 7,000 से ज्यादा लोग भी मर गए हैं, सब कुछ मर गए। अब यहां सिर्फ भूकंप की बात है, अब ये छठी मोहर जो है, भूकंप तो आ रहे हैं अभी आने वाले, इसका मतलब क्या है कि इस परमेश्वर का वचन, जैसे मैंने पहले कहा कि ये छठी मोहर खुल जरूर चुकी है मगर पूरी नहीं हुई है। अब भूकंप जो है, जिस भूकंप का वर्णन जो है परमेश्वर का वचन कर रहा है, जिन भूकंपों के बारे में बात कर रहा है, वो अभी देखने को नहीं मिले हैं, वो अभी आए नहीं है कि किस नगर के 3 टुकड़े हो गए हैं, कौन सा तबाह और बर्बाद हो गया। हाँ, लिस्बोन का जो है वो मैं मानता हूं कि 1 नवंबर 1755 में जो भूकंप आया था वो बहुत ही भयंकर था, बहुत पूरा शहर तबाह और बर्बाद हो गया था, परंतु अभी और भी भयंकर भूकंप आने वाले, जो भविष्यवाणियां बाइबल के अंदर दी हैं, इतने भयंकर आने वाले हैं कि पृथ्वी जो है जने कब तक डोलती रहेगी, हिलती रहेगी, हो सकता कई दिनों तक हिलती रहे, इंसान के जी में जी नहीं रहेगा, और फिर वो डर के मारे फिर परमेश्वर की महिमा करेंगे। जैसे 2020 में कोविड-19 में क्या था, सब डर के मारे, सब जब डर आया, जब मौत चारों तरफ दिखाई देने लगी, तो जो है परमेश्वर की महिमा करने लगे, आराधना करने लगे, सड़कों पे करने लगे, छत के ऊपर करने लगे, और मुंडे रोपे करने लगे, जाने कहाँ कहाँ करने लगे। और आज, आज क्यों नहीं हो रही सड़क पर, आज क्यों नहीं हो रही है घर के बाहर बैठकर सब गाने बजाने क्यों नहीं हो रहे हैं, आज क्यों नहीं छत पर कर रहे हैं, क्योंकि चर्च खुल चुके हैं, इसलिए चर्च में कर रहे हैं। क्यों, अब भी करें ना, अभी फिर वैसी स्थिति आ जाए, फिर देखिए सब डर के मारे जो हैं। अभी बहुत से लोग जो हैं, उस समय सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, सब लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, परंतु क्यों, क्योंकि उस समय डर था कहीं मौत हमें ना निकल जाए, कहीं मौत हम पे हावी ना हो जाए। अब वही स्थिति अभी आने वाली है और वो कभी भी आ सकती, हो सकता है कि आज रात में आ जाए, हो सकता कल आ जाए, कभी भी आ सकती है ऐसी स्थिति। रुके रहिए और देखते रहिए, परंतु यदि डर के करेंगे तो आप बच नहीं पाएंगे, परंतु सच में अभी से हम अपने आप को परमेश्वर को सौंपेंगे और आत्म सच्चाई के द्वारा परमेश्वर का भय मानते हुए अभी से, यानी जो भयंकर घटनाएं दिखाई दे रही हैं उससे डरकर नहीं, सही माने में परमेश्वर से डरकर अभी से अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपेंगे और बुराइयों से दूर रहेंगे तो परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रकाशित वाक्य
छः अध्याय 12 से 17 पद तक इसको हमने तीन भागों में बांटा है। इसके तीन भाग हैं और तीन भाग आपको बता चुके हैं कि कौन से तीन भाग हैं, परंतु इन भागों के अंदर जो हैं कई पॉइंट दिए गए हैं। जैसा कि हमने पहला भाग लिया प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय का 12 और 13 पद हमने लिया है, ये पहला भाग है। इस भाग के अंदर हमने पहला जो पॉइंट लिया है वो भूकंप के बारे में है। अभी इसमें और भी पॉइंट हैं, जैसा कि सूर्य कमल के समान काला हो गया, चांद जो है वह लहू के समान लाल हो गया और आकाश से तारे गिर पड़े। इन पॉइंटों के बारे में भी जो है अगले भाग में जो है हम चर्चा करेंगे, और इसलिए इन पॉइंटों को बड़े ध्यान से सुने। ये तीन भाग जरूर बनाए परंतु इन भागों के अंदर जो पॉइंट हैं वो अभी खत्म नहीं हुए हैं, इसलिए हमारे ये भाग जो हैं जब तक पॉइंट खत्म नहीं होंगे तब तक हमारे ये भाग चलते रहेंगे। तब तक प्रभु आपको आशीष दे।